हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आर सीनो क्राफ्ट्स में। आपको आज मैं सरस्वती माता की मूर्ति कमल फूल पर बैठी हुई बना के दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। और आप ये व्यक्ति को देख रहे हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बनते हैं वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं सरस्वती माता की जिस मूर्ति को बनाने वाला हूँ उसके लिए मैंने सबसे पहले सरस्वती माता के हाथ और पैर को एक बनाने के लिए कॉइल तैयार किया, जिसके लिए मैंने चार कॉइल्स बनाए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इन चारों कॉइल्स को मैंने ड्राई होने के लिए अपने मोल्ड पे रखा है। और मैं अब सरस्वती माता का फेस बना रहा हूँ। फेस को बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का गोला तैयार किया और उसमें मैंने अपने टूल्स की हेल्प से आँख, नाक और होंठ को कट किया है, होंठ बनाया। और मैं इस फेस को जो बना रहा हूँ ये कंप्लीट फेस नहीं है, इस फेस का फाइनल लुक आपको मूर्ति में देखने को मिलेगा। ये फेस बस एक बेस के तौर पे मैं यूज़ करूँगा कि हाँ, चेहरा एक तरह से रेडी होने ही जा रहा है। तो इस फेस को मैं जब कंप्लीट करूँगा तो आप उस वीडियो में बने रहो और आपको एंड में इस फेस का लुक खुद मैंने इस फेस को बनाने के लिए उसके आँख पे दो बॉल लगाए हैं। मिट्टी का एक बॉल है, उसे मैं फिर मैंने अपने टूल्स की हेल्प से आई का डिज़ाइन किया है, आप जैसा देख रहे हो स्क्रीन पे। मैंने इसको बनाने के लिए मतलब एक छोटा सा पहले कट किया था ताकि उस जगह पे आँख को फिट किया जा सके। अब मैंने वहाँ पर आँख लगा दिया है और अब ये फेस 50% बन के कम्प्लीट। उसके बाद मैंने मूर्ति का हाथ तैयार किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये मैंने दोनों हाथ और दोनों पैर को बना लिया है और मैं इस हाथ को थोड़ा सा ड्राई था, इसको स्मूथ कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने जो स्ट्रक्चर तैयार करके रखा था उस स्ट्रक्चर में मैंने मिट्टी के हेल्प से कमल फूल का शेप देना चाहा। इसके लिए मैंने एक डमरू के आकार का फेस बनाया और उसके लिए मैंने एक कॉइल को भी कट करके उसे अलग अलग साइज़ में कट किया। और इससे मैं कमल फूल का पत्ता बना रहा हूँ। इस पत्ते को मैं उस कमल फूल में लगाऊंगा, इसके बाद कमल फूल अपना रियल लुक में बाहर आएगा। इस तरह मैंने करके आठ पत्ते बनाए और अब मैं सरस्वती माता के पैर को उस स्ट्रक्चर में सेट कर रहा हूँ। इस मूर्ति को मैं बजाते हुए शेप में बनाऊँगा और इस मूर्ति का मैं खोपा बनाने वाला हूँ। इसमें मुकुट नहीं रहेगा और खोपा वाला मूर्ति देखने में कुछ ज़्यादा ही बेहतर लगता है। तो अब मैं मूर्ति का साड़ी बना रहा हूँ। उस साड़ी को बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी को फ्लैट करके उसे स्ट्रक्चर की तरह वहाँ पे सेट किया और अब मैं उसमें डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सरस्वती माता के बॉडी को बनाया और इसके बाद मैं उनका हाथ ऐड करूँगा। अभी मैं इस फेस को ऐड कर रहा हूँ। इस फेस का ये फाइनल लुक नहीं है, इस फेस का फाइनल लुक आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, आप वीडियो में बने रहना। और मैं सरस्वती माता का बीना बना रहा हूँ। बीना बनाने के लिए मैंने एक स्टिक में मिट्टी को चारों तरफ से राउंड करके लगा दिया था और उसे एक फ्लैट शेप दे के उसे मिट्टी को सेट कर दिया। अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि इस मूर्ति में मुकुट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ मूर्ति का खोपा बना रहा हूँ। आप वीडियो देखते रहो, मैं इस तरह यहाँ पे खोपा बना रहा हूँ और मैंने साइड से दो बाल के लटे गिराए हैं जो कि मतलब एक खुद। इसके बाद मैं मूर्ति के साड़ी का डिज़ाइन कर रहा हूँ। साड़ी का डिज़ाइन करने के लिए भी मैंने अपने टूल्स की हेल्प ली है और मैं साड़ी का डिज़ाइन कर रहा हूँ। और साड़ी का डिज़ाइन मैं ऊपर का आंचल बना रहा हूँ और इसके ऊपर से ही मैं इस मूर्ति में जो है फूलों की माला से सजाऊंगा, मतलब मिट्टी का ही मतलब फूल का माला बनाऊंगा, मिट्टी का ही इसकी चूड़ी फूल का ही डिज़ाइन रहेगा। और मैं कमल फूल के पत्ते को सेट कर दिया हूँ।
ये मैंने अपने टूल्स की हेल्प से अब मूर्ति के फाइनल फेस को बनाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ इस वीडियो को गौर से देखिए, और अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इस फेस को बनाने में अगर आपको ज़रा सा भी परेशानी हो तो आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखो, ताकि आपको फेस मेकिंग में किसी तरह की परेशानी ना आए। अभी मैं आँख बनाने जा रहा हूँ, तो मैं आँख बनाने के लिए अपने टूल्स की हेल्प लिया हूँ, और इसको मैंने आँख बनाते वक्त बस इतना चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आँख को जो है ना दोनों सेम साइज़ पे बनाना पड़ता है, ताकि मूर्ति आगे पीछे ऊपर नीचे देखता हुआ ना लगे। एक सामने का जो शेप होता है वो सामने लगे कि सामने देख रही है। तो आप देखते रहिए वीडियो को, मैं किस तरह फेस अब मैं सरस्वती माता के हेयर को डिज़ाइन कर रहा हूँ। जो खोपा मैंने बताया था उसमें मैं बाल का डिज़ाइन बना रहा हूँ, और इसके साथ मांग के ऊपर जो बाल है उसमें भी मैं डिज़ाइन कट करूँगा। अब इस मांग के ऊपर मैं डिज़ाइन कट करने के बाद उसके खोपे पे मैं एक फूलों का लट लगाने वाला हूँ, जो कि मिट्टी से ही बनाऊँगा, और मांग टीका भी इसका फूल का ही रहेगा, और इसके गले का हार भी मैं फूल का ही बनाऊँगा, कान वाला कुंडल भी इसके फूल का ही बनाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहे, ये मूर्ति का फाइनल लुक बहुत ही बेहतर है, आप देखो। और आपको अगर बनाने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दो, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सीज़न सरस्वती पूजा में मैं आपको इसी तरह की मूर्ति बना बना के दिखाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं साड़ी का डिज़ाइन कट कर रहा हूँ, साड़ी का डिज़ाइन कट करके मैं इस पर ब्रश चलाने वाला हूँ, ताकि एक स्मूथ इफेक्ट बाहर आ जाए और मूर्ति देखने में बेहतर लगे। तो अभी मैं साड़ी का डिज़ाइन करने के बाद इस पर ब्रश चलाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि मैं अभी ब्रश चलाना स्टार्ट कर चुका हूँ, और इस ब्रश को चलाने के बाद मूर्ति आपको ऑटोमेटिक स्मूथ दिखने लगेगी। और आपको अगर यह मिट्टी नहीं मिलती है तो ये मिट्टी तो मैंने मंगवाया था, आप लोग इस मिट्टी को ऐसे गांव वाले एरिया में ये मिट्टी खेत में मिल जाएगी, आपको नदी के किनारे भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे ये मिट्टी मंगाना पड़ा था और ये मुझे काफ़ी महंगा पड़ा। अब मैं इसका माला बनाने वाला हूँ। माला बनाने के लिए मैंने क्वाइल्स बनाए, और इसे मैंने खोपा पे सेट किया, और उसे मैं अपने टूल्स की हेल्प से जो ना उसमें फूलों का डिज़ाइन करने वाला हूँ। और यही माला मैं गले में भी दे रहा हूँ, और साथ ही साथ कान में भी दूँगा, और इसके बाजू और कलाई पर भी यही माला का शेप बनाने वाला हूँ। अब देख रहे होंगे आप, जैसा कि मैं अपने टूल्स की हेल्प से माला का डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब मैं सरस्वती माता के साड़ी के पाड़ में डिज़ाइन बना रहा हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के बाद मुझे कलर करने में एक आसानी होगी, कि मुझे कलर के वक्त इस डिज़ाइन को बनाना नहीं पड़ेगा पेंट से, मैं बस इसके ऊपर एक पतला सा पेंट चला दूंगा तो वो डिज़ाइन खुद ब खुद बाहर चला आएगा और दिखने लगेगा। और ये मैंने पेन के रिफिल की मदद से सरस्वती माता के आइरिस बना दिए हैं, और अब मैं सरस्वती माता की उंगली को बनाने वाला हूँ। उंगली बनाने के लिए मैंने पतला पतला कॉइल्स बनाया, और उसे बेलन की तरह बेल के और चार पांच उंगली जोड़ लिया, और उसे मैं अब सरस्वती माता के हाथ में सेट करने वाला हूँ। और एक साइड मैंने हाथ में उंगली सेट कर दिया। इस उंगली को सेट करते हुए थोड़ा सा वीडियो मेरा शूट नहीं हो पाया था, और मैं ये लेफ्ट साइड के फिंगर को सेट कर रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि अब मैं
मूर्ति के बतख को सेट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये फाइनली बतख भी सेट हो चुकी है और ये मूर्ति भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप देख रहे होंगे इस मूर्ति का फाइनल लुक आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के